सो हे गाइज, अगर आपके पास भी एम आई का स्मार्टफोन है और आप वहाँ पे थीम्स डाउनलोड कर रहे हो और जो थीम है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, वहाँ पे कोडेंट डाउनलोड आ रहा है और 4001 एरर लिख के आ रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा चल रही है। तो इस प्रॉब्लम का क्या है सॉल्यूशन, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आप कोई भी थीम डाउनलोड कर पाओगे और बाद में आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना होगा, बहुत ही ध्यान से आपको देखना होगा। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कर लिए लाइक। तो सबसे पहले आपको करना क्या कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर आना, और आने के बाद सबसे पहले आपको एक ऐप ढूंढना है डाउनलोड, जो कि डाउनलोड वाला ऐप होता है, उस पर आपको प्रेस करके रखना है। प्रेस करने के बाद आपको ऐप इन्फो में चले जाना है, और यहां से आपको करना क्या है कि यहां से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रेस्ट्रिक्ट डेटा यूजेज, जो कि आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके इसको आपको अलाउ कर देना, जैसे कि मेरा अलाउ दोनों पर टिक हुए पड़े। अगर आपका टिक नहीं है तो आप टिक करके अलाउ कर सकते हैं और ओके कर देना। जैसे आप कर देते हैं उसके बाद आपको क्लियर डेटा क्लिक करके क्लियर कैचे कर देना है, इसका क्लियर कैचे कर देना है, आपको क्लियर ऑल डेटा नहीं करना है। जैसे आप कर देते हैं उसके बाद अब आना है आपको फाइल मैनेजर पर, फाइल मैनेजर पर भी आपको क्लिक करके रखना है और यहाँ से ऐप इन्फो में जाना है। जाने के बाद अब आपको भी यहाँ से फिर से रेस्ट्रिक्ट डेटा यूजेस पर क्लिक करना है और यहाँ से चेक करना है अलाउ है या फिर नहीं है। अगर अलाउ नहीं है तो आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको क्लियर डेटा पर क्लिक करके क्लियर कैचे कर देना, क्लियर ऑल डेटा नहीं करना। जैसे आप कर देते हैं उसके बाद आ जाना है आपको होम स्क्रीन पर। अब आपको करना क्या है कि आपका जो थीम ऐप है वो आपको ढूंढना है, जो जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा थीम ऐप, इस पर क्लिक करके रखना है और ऐप इन्फो पर जाना है। जाने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ से क्लियर ऑल डेटा पर क्लिक करके यहाँ से क्लियर ऑल डेटा आपको कर देना है, क्लियर कैचे भी कर देना, क्लियर ऑल डेटा भी कर देना। जैसे कर देते हैं उसके बाद यहाँ से भी रेस्ट्रिक्ट डेटा यूजेस पर क्लिक करके इसको चेक कर लेना है, ये जैसे अलाउ है या फिर नहीं है, अलाउ नहीं है तो कर देना। जैसे आप ये कर देते हैं उसके बाद आपको अनइंस्टॉल अपडेट, जैसे कि आप देख सकते हैं अनइंस्टॉल अपडेट्स पर आपको क्लिक कर देना है, जो कि ये बीच में आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ से ओके कर देना है। अनइंस्टॉल अपडेट्स करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको आना है अपने होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद अब आपको जाना है आपके मोबाइल की सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से आपको ऑप्शन देख रहे सिस्टम एप्स अपडेट, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से थोड़ी देर लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ से जो थीम ऐप है उसकी अपडेट आ जाएगी, तो उसको आपको यहाँ से अपडेट कर लेना है। जैसे आप अपडेट कर लेते हैं, ये अपडेट जैसे ही हो जाता है उसके बाद क्या करना है आपको ओपन करना है दोबारा से, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट करके बता सकते हैं।